हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में दोस्तों इस टाइम चल रहा है भारत भारती प्रकाशन का मैथ क्लास 11 एग्रीकल्चर, भारत भारती प्रकाशन का मैथ। और देखिए प्रश्नावली है हमारी, प्रश्नावली आपकी चल रही है 17.2 का ये दोस्तों पार्ट 3 है। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो देखिए, पार्ट 2 में हम बात कर चुके थे बेटा, इसमें हमने 19 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज आपकी स्क्रीन पे देखेगा 20वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। कितना? 20वें क्वेश्चन से। तो देखिए, मैं एक बात और आपको बता दूं, देखिए मैथ में क्वेश्चन आपको पढ़ना है, मैथ में आप क्वेश्चन को पढ़िए फिर समझिए बोर्ड पे, ठीक है? क्योंकि मैं क्वेश्चन समझाऊंगा नहीं आपको, इसलिए क्वेश्चन नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो डायरेक्टली मैं वैल्यू रख के डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है? आप पहले देख लीजिए मैथ में क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और फिर कैसे करके लगा रहा हूँ, क्लियर? चलिए आगे की तरफ। 20वां क्वेश्चन है तो सीधे सीधे देखिए इसमें क्या होगा, कुएं का आयतन बराबर है आपका पाई आई स्क्वायर, एच लगाओगे, वैल्यू दे रखी है, एच इसमें कितना है 49 है और आर की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 22/7 गुड़े फोर और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 49, एच की वैल्यू इसमें दे रखी है बेटा 49। अब आपको करना क्या है, देखिए 7/7 हुआ आपका 49, 7/7 कितना हुआ 49 और 22/4 कितना हुआ 88, 7/4 कितना हुआ 28, 88 और 28 की जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा 24/64 घन मीटर। कितना? 24/64 घन मीटर। इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए फिर कह रहा है खोदने के बाद मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। चलिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ, खोदने के बाद मिट्टी का आयतन कितने 10% बढ़ जाता है। क्या कह रहा है वो? 10% बढ़ जाता है, इसलिए कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा बेटा, इसलिए कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 24/64 तो निकल के आया कुएं का आयतन, 24/64 इंटू कितना दिया है ये हो जाएगा 11/10। सीधे सीधे आप अगर बड़ी संख्या से ना कटा करें तो छोटी संख्या से आप डिवाइड कर लिया करो, जैसे 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, ठीक है? अब आपका 5 बचा, देखिए 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 5 × 2 = 10, बचे 2 हो गए 30, 5 × 4 = 20, बचे 3 हो गए 32, ये 5 से कटेगा नहीं है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है 12 नीचे 5 है ना, 12 × 32 × 11 अपॉन कितना करना है 5, 12 32 है ना पूरी संख्या आई है 12 32, पूरी संख्या कितनी है 1232 × 11। अब आपको सीधे सीधे से देखिए सीधे सीधे कर दे रहा हूँ, 11 × 2 = 22 के 2 हो गए हासिल लगे 2, 11 × 3 = 33 और 2 × 35 = 5 हासिल लगे 3, 11 × 2 = 22, 22 × 3 = 25 हासिल लगे 2, 11 × 11 और 2 × 13 = 5। अब सीधे सीधे आप डिवाइड करोगे तो इसका जो आएगा फाइनल निकल के वो आ जाएगा 2710.4। कितना? 2710.4
घन मीटर में। काटा पीटी करोगे आप तो इतना ही मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा आगे, इसलिए क्या कह रहा है, 40 मीटर लंबे, 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े और 28 मीटर चौड़े गड्ढे को, चौड़े गड्ढे को सीधे सीधे आप इसे कर सकते हो 2710.4 और अपॉन बटे में कितना 2464 नहीं अपॉन कितना हो जाएगा ये 40 × 28। अब आपको वही काम करना है, एक अंक के बाद पॉइंट लगाए, इसे पॉइंट हटाने के लिए आप एक जीरो बढ़ा लो, क्या बढ़ा लो, एक जीरो बढ़ा लो। इसके बाद आपको क्या करना है, 2710.4 ये लिख लिया, ये दो जीरो हैं तो दो जीरो आप नोट कर लो, 4×8=32 के दो हो गए, हंसने लगे 3, 4×2=8 और 3×11 ये आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सीधे सीधे आंसर दोगे तो बेटा आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे काटा पीटी करोगे 2.42, कितना 2.42 मीटर तक भरा जा सकता है, 2.42 मीटर तक भरा जा सकता है। ये बेटा 20वां क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व, ठीक है, 20वां क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 21वें की क्वेश्चन की तरफ, देखिए काटा पीटी डिवाइड करना आपको करना है, मैंने जो तरीका है वो आपको बता दिया, 21वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चलिए समझिए आप 21वां क्वेश्चन, बेटा 21वें क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए आपका 21वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 21वें क्वेश्चन में दे रखा है खोखले बेलन का बाहरी व्यास क्या है, खोखले बेलन का बाहरी व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और मोटाई दे रखी है, तथा कर लो यहाँ, तथा मोटाई दे रखी है आपकी 2 सेंटीमीटर, मोटाई कितनी 2 सेंटीमीटर। इसके बाद आप क्या करोगे, चूंकि बेलन का भीतरी व्यास, अब आप सीधे सीधे करोगे, चूंकि बेलन का भीतरी व्यास ये आपका हो जाएगा सीधे सीधे 14 में से आप माइनस करोगे दो बार, -2, अब दो दो हो गए 4, 4 हो गए माइनस के, 14 में से 4 गए कितना बचा 10, ये आएगा आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। फिर आपको करना क्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, बेलन का बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः, बेलन की भीतरी एवं बाहरी क्या त्रिज्याएं क्रमशः कितनी हो जाएगी, अच्छा है इसमें 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, कितना 7 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगाना है आपको, इसलिए क्या लगाओगे आप, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो आप लगाओगे बेलन का बाहरी पृष्ठ प्लस बेलन का भीतरी पृष्ठ, बेलन का बाहरी पृष्ठ प्लस बेलन का भीतरी पृष्ठ,
भीतरी प्रस्थ प्लस आगे क्या करोगे, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल फिर बराबर है आपका क्या हो जाएगा, फार्मूले में रखो इसे, फार्मूला लगाना है, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर वन एच प्लस 2 पाई आर टू एच प्लस 2 पाई और आर वन का होल स्क्वायर माइनस आर टू का होल स्क्वायर, ये बेटा फार्मूला है, ये पाई है। अब आपको क्या करना है, इस फार्मूले से क्या चीज कॉमन ले हुए आप ले लो इससे, देखिए 2 पाई 2 पाई और 2 पाई, तो आप क्या लोगे 2 पाई आपको लेनी है कॉमन, जब 2 पाई आपकी कॉमन हो जाएगी तो सीधे क्या लिखना है आर वन प्लस आर टू, और सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका, ये बंद कर लो, एच प्लस आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर, ये कंडीशन आपकी बन जाएगी। इसके बाद आपको सीधे सीधे वैल्यू रखनी है, देखिए 2 पाई की जगह 2 पाई, अब आर वन की जगह देखिए कितना हो जाएगा आपका 7, त्रिज्या देखिए आर वन 7 आर टू 5, तो आर वन की जगह आपका क्या हो जाएगा बेटा 7 प्लस आर टू की जगह 5, एच तो एच इसने दे रखा है 20 प्लस आर वन कितना है 7 और 7 का क्या करना है होल स्क्वायर माइनस आर टू कितना है 5 और 5 का क्या करना है होल स्क्वायर, अब आपका बन गया ये 2 पाई बड़ी ब्रेकेट 7 5 12 हो गए आपके 20 प्लस 7 7 कितना, ये ब्रेकेट में है 7 7 कितना होगा 49 और 5 25। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ऊपर का मुझे रफ करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। चलिए यहाँ तक समझ गए आप, चलते हैं आगे, चलिए समझिए आगे बेटा, ये आपका देखिए 2 पाई है तो आपने लिखा 2 पाई, इसके बाद देखिए इसकी इसकी होगी मल्टीप्लाई, 12 दूनी कितना होता है 24, तो बड़ी ब्रैकेट लिखिए 24 लिख लिया, एक जीरो है तो आपने जीरो डाल लिया, प्लस 49 में से 25 घटा दो तो 49 में से 25 घटाए कितने बचे आपके 24, कितने बचे 24। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको करना क्या है 2 पाई ऐसे ही उतार लो और देखिए इसमें 24 इसमें जोड़ दो, 240 और 24 कितने हो गए 264, 264 की मल्टीप्लाई इसके साथ आप कर दो, तो देखो 2 4 8 2 6 12 के 2 हसल लगा 1 2 2 4 5 528 पाई, आपका आंसर आएगा 528 पाई वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। बेटा 21 क्वेश्चन बेटा सॉल्व हुए, अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ, 22वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, 22वां क्वेश्चन देखिए, चलिए 22वां क्वेश्चन समझिए, 22वां क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ध्यान लगा के आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, माना बेलन की ऊंचाई एस सेंटीमीटर है, मानना पड़ेगा, माना बेलन की ऊंचाई एच सेंटीमीटर है, कितनी है एच सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ दे रखा है, अब वक्र पृष्ठ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए 2 पाई आर एच होता है, वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच, और वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है 1000, कितना 1000। अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें व्यास भी दे रखा है, चलिए मैं व्यास इधर कर दे रहा हूँ क्लियर, व्यास दे रखा है कितना 20 दे रखा है, अब त्रिज्या आर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए व्यास बटे बेटा 2 करना पड़ता है, आर बराबर व्यास की जगह 20 रख दो तो 2 5 कितना हुआ 20, तो त्रिज्या आपकी कितनी आ गई बेटा 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 पाई आर की जगह कितना इंटू लगा लीजिए 10 × H बराबर कितना 1000, 10 × 2 कितना हुआ 20, कितना हुआ 20। अब आप सीधे सीधे कितना लिख सकते हो,
आप लिख सकते हो 20 पाई, आप इसे लिख सकते हो बेटा 20 पाई h बराबर कितना 1000, 20 से डिवाइड कर दो, 20 पंजे कितना हुआ 100, ये हो गया आपका 50। ठीक है, जब आप h बाहर निकालोगे तो जो चीज बाहर निकालते हैं वो कहाँ चली जाती है, नीचे, सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा 50 पाई, कितना हो जाएगा बेटा 50 पाई। अब क्या करना है, 50 तो पाई की जगह कितना लगा दो 22/7, और अगली बार देखिए 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 50 × 7/22। ठीक है, 1 0 का 0 0 और 7 × 15 कितना हुआ 35, 350 को जब आप 22 से भाग दोगे तो 350 को जब आप 22 से डिवाइड करोगे तो 15.9 सेंटीमीटर मिलेगा, कितना 15.9 कितना मिलेगा बेटा 9 सेंटीमीटर। फिर देखिए बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन, आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई की जगह पाई और आर की जगह क्या लिखोगे आप, पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो एच की वैल्यू कितनी आई है आपकी 50/पाई। एक सेकेंड समझ लेने दीजिए मुझे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच पाई इंटू 100 इंटू हो जाएगा आपका 50/पाई, कितना 50/पाई। अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं, अब इसकी इसकी कर दो आप मल्टीप्लाई, 2 0 और 1 3 0, तो 1 0 2 0 3 0, 5 × 1 कितना हुआ 5, कितना आया ये 5000 वर्ग सेंटीमीटर, कितना इसका आंसर आया 5000 वर्ग सेंटीमीटर। बेटा ये आपका निकल गया, देखिए 22वां क्वेश्चन कौन सा था, 22वां क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को दोस्तों लाइक करिए। चलिए चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ, चलिए 23वां क्वेश्चन समझिए, आप 23वां क्वेश्चन को समझिए। 23वें क्वेश्चन में क्या है, तार का ब्यास दे रखा है, क्या है बेटा तार का ब्यास दे रखा है, कितना दिया है 15 मिमी, कितना 15 मिमी। अगर 15 मिमी को काय में चेंज करूं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइए मिमी को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, भाग कर दिया या गुणा कर दिया, तब आया 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। बताइए मैंने यहाँ क्या किया, बेलन का वक्रप्रस्थ, बेलन का वक्रप्रस्थ 1000 वर्ग सेंटीमीटर, 1000 वर्ग सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, इसमें लपेटे जाने वाले तार की लंबाई पूछ रहा है बेटा, लपेटे जाने वाले तार की क्या पूछ रहा है बेटा, तार की लंबाई पूछ रहा है वो, तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, बेलन का वक्रप्रस्थ अपॉन तार का व्यास, क्या हो जाएगा बेलन का वक्रप्रस्थ अपॉन क्या हो जाएगा तार का व्यास, अपॉन तार का क्या हो जाएगा बेटा व्यास। बेलन का वक्रप्रस्थ कितना है देखिए 1000, और ये कितना है आपका तार का व्यास कितना है 1.5। अब ये 1.5 × 100 बराबर क्या करोगे आप, 2 से 2 0 आप काट दो, ठीक है, और आपको क्या करना है फिर दशमलव हटाना है, ऊपर 1 0 बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा बेटा 100 100 कितना हुआ 15। अब आपको क्या करना है, 5 से काट लेना, 5 × 3 = 15 होता है, और 5 × 2 = 10 होता है, 20 × 5 = 100। अब ये हो गया 20/3, 3 × 18 × 3 = 18, ये आ गया 6.67 मीटर, 6.67 मीटर ये बेटा इसका आंसर हो गया।
चलते हैं 23वें क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, नेक्स्ट देखिए आपका 24वां क्वेश्चन दो तरह से पूछ रहा है और दो तरह से पूछने के बाद दोस्तों अंतर पूछ रहा है। तो हम पहले आयताकार कागज को इस प्रकार मोड़ रहे हैं कि बेलन की ऊंचाई कितनी, 22 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं। 24वां क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है देखिए, तो हम बेलन की ऊंचाई कितनी मान ले रहे हैं। पहली बार में मैं फर्स्ट कंडीशन में सॉल्व कर रहा हूँ, बेलन की क्या चीज दे रखी है, ऊंचाई पहले मान रहे हैं ऊंचाई 22 सेंटीमीटर। इसके बाद आधार की परिधि मार रहे हैं 11 सेंटीमीटर। आधार की परिधि कितनी, 11 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या R1, परिधि 11 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, बेलन के आधार की त्रिज्या R1 है। सीधे सीधे लिखोगे आप, बेलन के आधार की त्रिज्या R1 है। फिर आपको आगे करना क्या है, सीधे सीधे पुट करिए आप वैल्यू, देखिए 2π R1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 11। फिर आपको क्या करना है, R1 निकाल लो यहाँ से बाहर, R1 बराबर कितना हो जाएगा 11/2π। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, पाई का मान आपको पता होना चाहिए, तो 11 × 22 कितना हो जाएगा 7। अब ये कहाँ चला जाएगा, 11 × 7/2 ये आपका हो गया। इसके बाद 11 × 2 कितना हुआ 22, 7/2 कितना हुआ 4, 7/4 क्या आया सेंटीमीटर, R1 कितनी आई निकल के 7/4। बेलन के आयतन इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए बेलन का आयतन बेटा ये का है, बेलन का आयतन सीधे आयतन का क्या होता है, πr²h। जब πr²h होता है तो देखिए पाई की जगह पाई रहने दो, r कितनी आई है निकल के 7/4, तो 7/4 का क्या कर लो आप, होल स्क्वायर × h, तो h कितनी है आपकी 22। तो ये कितना हो जाएगा, पाई का मान लगाओगे, लगा लो 22 कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7/4 × 7/4 कितना हो जाएगा 22, सही है। अब आप क्या करोगे, 1/7 से 1/7 काट लो। अब आपको करना क्या है, और कटेगा, अभी और कट जाएगा, देखिए 2 × 4 2 × 2 2 × 2 ये भी डिवाइड हो गया। अब देखिए 2 × 4 2 × 2 2 × 2 11 होता है बेटा 121, कितना 121 × 7/4 कितना हुआ 4। आगे क्या करोगे, 121 की 7 की क्या करोगे मल्टीप्लाई, 7 × 7 7 × 2 = 14 हासिल लगा 1 × 7 = 8 / 4 847 क्या घन सेंटीमीटर, 847 घन सेंटीमीटर। बेटा मुझे ऊपर का रफ करना पड़ेगा, ऊपर का रफ कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक करिए। अब समझिए आगे, बेलन का आयतन निकल गया बेटा, अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, क्या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आपको पता है, देखिए 2π R1 और ब्रैकेट में लोगे R1 + H1, क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए 2 की जगह 2, पाई की जगह कितना 22/7 और R1 की वैल्यू कितनी आई है 7/4, तो ये आ गई आपकी कितना 7/4। H1 कितना है, H1 तो देखिए उसमें ही दे रखा है, H1 दे रखा है, ऊंचाई आपकी दे रखी है 22,
तो प्लस में आप क्या करोगे यहाँ 22। क्लियर। अब आपको करना क्या है, 22 दूनी कितना हुआ, ये बेटा हो गया 44, 44 बटे कितना हुआ 7, ठीक है, और 22 7 कितना हुआ 29, 29 बटे कितना हो जाएगा आपका 4। तो आप क्या करोगे बेटा, एक सेकंड रुकिए, ज्यादा लंबा हो रहा है, एक मिनट, ज्यादा लंबा हो रहा है, काटा पीटी आप करोगे इसकी, काटा पीटी आप कर लेना, आंसर मिलेगा आपको, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ये सब काट पीट के ऊपर का कितना आएगा बेटा 1045, कितना आएगा 1045, और नीचे बेटा आपका कितना आएगा, ये 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, तो 1045 वर्ग सेंटीमीटर, 1045 वर्ग सेंटीमीटर। बेटा स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने इस चीज़ की कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं करा, स्पेस बहुत कम बचा है, ठीक है, वरना फिर से मिटाना पड़ेगा। देखिए ये बेलन का आयतन आ गया 847/4 और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आया 1045/4 वर्ग सेंटीमीटर। ये थी फर्स्ट कंडीशन। अब आगे हम सेकेंड कंडीशन पे लागू करेंगे। अब बेटा आप सेकेंड कंडीशन में देखिए, सेकेंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसका उल्टा करना है। इस बार दूसरी दशा में कागज को बेटा इस प्रकार मोड़ना है कि बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाए 11 सेंटीमीटर। इस प्रकार मोड़ना है आयताकार कागज को कि बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाए आपकी 11 सेंटीमीटर, और आपकी परिधि कितनी हो जाए 22 हो। परिधि कितनी हो, परिधि आपकी बेटा 22 हो। इस प्रकार बने कि बेलन की त्रिज्या कितनी R2, उसमें R1। इस प्रकार बने कि बेलन की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या बेटा, बेलन की त्रिज्या क्या R2 है। फिर आपको करना क्या है भाई, फार्मूला लगाइए, 2πR2 हो जाएगा इस बार बेटा, 2πR2 बराबर कितना 22। अब आपको 2 की जगह 2 रखना है, पाई की जगह लगा सकते हो आप 22/7, यहाँ पे लगा सकते हो आप 22/7 इंटू 22/7, R2 की जगह R2 बराबर 22। अब आपको करना क्या है, यहाँ एक रख के बेटा तिरछी मल्टीप्लाई मान लीजिए, R2 निकाल लो बाहर, जब R2 निकाल लोगे बाहर तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए R2 बाहर निकालने पे क्या हो जाएगा 7 गुणे क्या हो जाएगा 22 अपॉन 2 गुणे कितना हो जाएगा 22, 22 से 22 आपका खत्म हो गया, आपका कितना बचा बेटा 7/2 सेंटीमीटर, ये कितना आया 7/2 सेंटीमीटर क्या आई R2 की वैल्यू। अब सीधे सीधे बेलन का आयतन, क्या बेटा बेलन का आयतन, आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू लगाएं या ना लगाएं, लगा दे रहे हैं 22/ कितना 7, आर स्क्वायर यानी आर टू की वैल्यू कितनी 7/2, तो सीधे सीधे कर सकते हो 7/2 इंटू 7/2, एच कितना, एच आपकी 11 इंटू 11, 7 से 7 आप डिवाइड कर लीजिए, 11 दूनी कितना होता है 22, अब कुछ कटेगा नहीं, तो आगे क्या करना है, 11 और 11 की बेटा मल्टीप्लाई होती है 121, तो देखिए ये आ गया आपका 121 और इंटू 7 है तो इंटू 7 ही लिख दे रहा हूँ, चलिए अपॉन कितना बचा 2, तो बेटा 7 × 7 = 14 हाथ से लगा 847/2 847/2 आ गया आपका घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, इसलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ वही 2πR2 और ब्रैकेट में R2 + H2, इसमें वैल्यू रख दो आप 2×22/7 इंटू R2 की वैल्यू कितनी आई है,
आर टू आपकी निकल के आई है 7/2, आर टू आई है आपकी 7/2 प्लस एच की वैल्यू कितनी है, एच की देखिए यहाँ 11, कितनी है 11। अब आपको करना क्या है, ये कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, इधर आपका बचा 22, इधर बचा 7/2 प्लस 11। जब इस चीज़ को आगे सॉल्व करोगे आप तो आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगा बेटा, 339 सेंटीमीटर बराबर 339 सेंटीमीटर। इस चीज़ को सॉल्व करोगे 339 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। क्लियर, कैसे करोगे, 11 दूनी 22, 22 और 7 कितना हो जाएगा, 22 और 7 हो गया आपका 29, 29/2 इसकी मल्टीप्लाई कर लेना आप, 339 आपका मिल जाएगा। चेक करके देख रहा हूँ एक सेकंड, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है आपका 29/2 ये हो गया इंटू 22, 11 99। चलिए मैं एक बार आपका चेक कर देता हूँ, ठीक है बेटा, चेक करके देख रहा हूँ। देखिए ये 22 तो आपने ऐसे लिख लिए, अब 11 दूनी कितना हुआ, 11 दूनी 22 और 22 और 7 कितना हुआ 29, ये हो जाएगा 29/2। अब 11 से आपने कर दिया डिवाइड तो आपका कितना बचा, 11 99 बचे कितने 9, 11 दूनी 22, 22 और 9 कितने हुए 22, 8, 30 और 31 हुआ। ये तो बेटा कहीं मिस्टेक हो रही है इसमें, आना कितना चाहिए, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ, 319 बेटा सही है, 319 ही आ रहा था, 319 सेंटीमीटर। देखिए बेलन का आयतन निकल गया, संपूर्ण पृष्ठ निकल गया, फर्स्ट कंडीशन में निकल गया, अब सेकंड कंडीशन में निकल गया। अब आपको क्या करना है, दोनों बेलनों का अंतर करना है और दोनों संपूर्ण पृष्ठों का अंतर करना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं बेटा, रब करना पड़ेगा आगे, बोर्ड को रब कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन को आगे समझिए बेटा, क्वेश्चन को आगे समझिए, दोनों बेलनों के आयतनों का अंतर। तो आप कैसे क्या करोगे, पहले दोनों बेलनों के आयतनों का अंतर, क्या आयतनों का अंतर, तो बेटा पहले बेलन का आयतन बताइए आप कितना आया था, 847/2 आया था, चेक करिए 847/2 माइनस, अंतर कर रहा है इसीलिए माइनस लगाना पड़ेगा। दूसरे बेलन का कितना आया था, 847/4, तो बेटा दूसरे का आया था 847/4। आपको क्या करना है, इसका ले लीजिए आप एलसीएम, दो एलसीएम लेके क्या करोगे आप, 2 दूनी कितना हुआ 4 और इसकी फिर 2 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, फिर 4 एकम 4 फिर इतना ही आ जाएगा और फिर क्या करोगे आप घटा दोगे। कैसे देखिए, 2 दूनी कितना हुआ 4, 2 7 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 7 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 4 8 और 1 9, 2 8 16। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4 847 आ। अब आपको क्या करना है बेटा, देखिए इसमें से ये वाली संख्या घटानी है, अपॉन कर देना है 4, अपॉन कितना कर देना है 4, समझ रहे हो मेरी बात। तो बेटा आपका कितना बचा ये समझिए, देखिए 1694 में से 847 घटाना है, 847/4 बचेगा आपका, फिर आपको क्या करना है 4 से भाग करना है बेटा, सही में आंसर लेके आना है इसका, सही में जब आप भाग दोगे तो मिल जाएगा आपको 211 सही 3/4 घन सेंटीमीटर। कैसा, घन सेंटीमीटर। इसका फंडा समझ लीजिए, 8 से आप 847 को कितने से भाग दोगे 4 से, ठीक है, जो भागफल होता होगा यहाँ पे जिसे आप भाग दोगे भागफल आपका, और ये नीचे आता है बेटा शेषफल, नीचे क्या आता है शेषफल, तो ये चीज कहाँ जाती है सही में, ये कहाँ जाती है सही में, ये शेषफल कहाँ जाता है बेटा अंश में, और ये कहाँ जाता है हर में, इस प्रकार से ये आंसर आया है। अब बात करते हैं दोनों बेलनों के संपूर्ण पृष्ठों का अंतर, दोनों बेलनों के संपूर्ण पृष्ठों का अंतर, किसका, संपूर्ण पृष्ठों का अंतर,
अब यहां से एरो उधर कर दे रहा हूं, बराबर। अब देखिए कितना था, 319 आया था पहले वाले का, और दूसरे वाले का आया 1045 बटे आया था 4। इसकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको घटाना पड़ेगा, फिर आपको कितना मिल जाएगा, 231। 231 बटे कितना मिलेगा, 4। मेरी बात को समझ गए, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर इसकी इसके बाद इस ये वाला घटा दोगे इतने में से, तो आपको इतना मिल जाएगा 231/4। 231/4 को जब भाग दोगे तो आपका मिल जाएगा सीधे सीधे 57 / 3/4 वर्ग सेंटीमीटर। ये बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, थोड़ा लंबा था। अब चलते हैं 25वें की क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करिए बेटा, वीडियो को लाइक करिए। अगला क्वेश्चन बेटा समझिए, 25वां अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, 25वां। इस 25वें क्वेश्चन को समझिए आप, बेलन की बाहरी त्रिज्या, क्या बेलन की बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या आर वन बराबर क्या है आपका, 10/2। 10/2, 2 × 5 = 10, कितना, 5 सेंटीमीटर आ गई। बेलन की आंतरिक त्रिज्या, बेलन की आंतरिक त्रिज्या बराबर त्रिज्या आर टू बराबर 6/2। 6/2, 2 × 3 = 3 सेंटीमीटर। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला, बेलन का बाहरी पृष्ठ प्लस भीतरी पृष्ठ, बेलन का बाहरी पृष्ठ प्लस बेलन का भीतरी पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। सीधे सीधे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो ये सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट करोगे तो क्या है, संपूर्ण पृष्ठ 2π, आर वन कितना है आपका × 5, एच कितना दे रखा है बेटा, एच बोलिए जल्दी से, 12 है क्या, 12 प्लस 2π, आर टू कितना है, आर टू है 3 × 12 प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा बेटा, पाई, और ब्रैकेट में क्या हो जाता था, R1² - R2² आर वन का कितना है, 5² - 3² आपको क्या करना है, देखिए बेटा 12 × 5 = 60, 60 × 2 = 120 कितना, 120π प्लस 12 × 3 = 36, 36 × 2 = 72 ये हो गया आपका 72π प्लस पाई 5 = 25 3 × 3 = 9। अब आपको करना क्या है, सीधे सीधे बेटा 25 में से 9 घटाइए, ये कितना हो गया 120π प्लस 72π प्लस 25 में से 9 घटाओगे आप कितना, 16π। अब आपको करना क्या है, सीधे सबको जोड़ लीजिए, 120, 72, 16 तीनों को जोड़ के 208 कितना आएगा, 208π काय में, वर्ग सेंटीमीटर में। ये बेटा आपका 25वां क्वेश्चन था, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आगे बढ़िए। चलिए 26वां बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 26वें क्वेश्चन को बेटा समझ लीजिए, 26वां क्वेश्चन। वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना है,
14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर। अब बेटा आर यानी त्रिज्या निकालने के लिए क्या हो जाता है, व्यास बटे कितना हो जाता है 2, व्यास कितना 14/2, 7 दूनी कितना होता है 14, तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी कितनी आ गई बेटा 7 सेंटीमीटर, दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है 7 सेंटीमीटर। अब आगे आपको क्या करना है, देखिए इसमें डायग्राम की आवश्यकता है, चित्र बनाने की आवश्यकता है, लेकिन मैं चित्र नहीं बनाऊंगा ऐसे समझ लीजिए आप। दोस्तों वीडियो बेटा बहुत लंबी हो रही है। आधार की त्रिज्या, आधार की चलिए त्रिज्या लिखने की कोई जरूरत नहीं है, त्रिज्या वहां पे आ गई यार बराबर, सीधे लिखोगे आप बेलन में भरे हुए पानी का आयतन, बेलन में बड़े हुए किसका आयतन, पानी का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 लगा दीजिए, आर कितनी 7, तो 7 × 7, एच दे रखी है 121/14 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। आगे क्या करना है देखिए, 7 से 7 खत्म, 7 × 2 कितना हुआ 14 और 11 × 2 कितना हुआ 22, 11 एकम 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 × 2 = 22 और 23 के 3 हासिल लगे 2, 11 एकम 11 और 2 = 13 बेटा ये आ गया 13/31 घन सेंटीमीटर, 13/31 क्या घन सेंटीमीटर। आगे समझिए आयतन किस लिए बड़ा है, आप लिखोगे चूंकि, क्या लिखोगे चूंकि आयतन घन डालने के कारण बड़ा है, चूंकि आयतन घन डालने के कारण बड़ा है, इसलिए घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए घन का आयतन बराबर बड़े हुए पानी का आयतन, किसका बड़े हुए पानी का आयतन। माना मानना पड़ेगा, माना घन के एक कोर की लंबाई x सेंटीमीटर है, माना घन के एक कोर की लंबाई बेटा कितनी है x सेंटीमीटर है। अब आपका क्वेश्चन यहां पे आके बना, अब घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो घन का आयतन बेटा x क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा x³। अब जब x³ बाहर लोगे आप तो कितना लिखोगे, ये आयतन कितना आया 1331। अब आपको पता होना चाहिए x बराबर, जब आप x बराबर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 11 × 11 × 11, क्योंकि 11 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बेटा कितना मिलेगा, ये 1331, कितना 1331। जब आप 11 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1331, तो बेटा ये क्या आ गई कोर की लंबाई, क्या आ गई कोर की लंबाई, कोर की लंबाई बेटा कितनी आई आपकी 11 सेंटीमीटर, कोर की लंबाई बेटा कितनी आई 11 सेंटीमीटर। 26वां क्वेश्चन बेटा आपका सॉल्व हुआ, अब चलते हैं हम 27वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, 27वां क्वेश्चन कौन सा है, 27वां क्वेश्चन। आप बेटा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, तांबे का कुल भार क्या है बेटा, तांबे का कुल भार, तो तांबे का कुल भार बेटा दे रखा है 11 किलोग्राम, कितना 11 किलोग्राम। अब आपको पता होना चाहिए एक किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, तो 11 में बेटा कितने ग्राम हो जाएंगे, 11000 हो जाएंगे, 11000 ग्राम।
ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना, देखिए एक घन सेंटीमीटर तांबे का भार, एक घन सेंटीमीटर तांबे का भार बराबर कितना, 8.4 कितना है ग्राम। इसके बाद क्या करना है, इसलिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, तांबे का आयतन, तांबे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तांबे का कुल भार, तांबे का कुल भार अपॉन अपॉन एक घन सेंटीमीटर तांबे का भार, अपॉन एक घन सेंटीमीटर तांबे का भार बराबर कितना हो जाएगा। सीधे सीधे आप रख दो, देखिए ये वाली वैल्यू ऊपर रख दो आप, 11000 अपॉन 8.4। अब आप अगर आपको पॉइंट हटाना है बेटा तो आप ऊपर एक जीरो बढ़ा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 11, 1, 2, 3, 4 बार जीरो, 4 × 84 किसमें, घन सेंटीमीटर में, क्या आएगा सभी यूनिट इसकी घन सेंटीमीटर। बेटा क्वेश्चन को समझते रहिए, देखिए तार का व्यास दे रखा है इसने, तार का व्यास बराबर बेटा दे रखा है 0.4 सेंटीमीटर। अब आपको पता होनी चाहिए त्रिज्या आर निकालने के लिए आपको व्यास बटे क्या करना पड़ता है, 2। व्यास कितना है 0.4 अपॉन 2, 2 × 4 यानी 0.2 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई बेटा, त्रिज्या आर बन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, माना तार की लंबाई मानना पड़ेगा, माना तार की लंबाई एल सेंटीमीटर है, एल सेंटीमीटर है, फार्मूले में रख दो इसे, पाई आर स्क्वायर एल बराबर कितना 11, 1, 2, 3, 4, 0 और आपका कितना हो जाएगा 84। पाई का मान कितना 22/7, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 0.2 है तो ये पॉइंट हटा के नीचे हम कितना कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर कर सकते हैं, तो 2/10 कर लीजिए यहाँ पे, तो सीधे सीधे अब हम यहाँ पे क्या रख लेंगे, आर की वैल्यू 2/10, आर स्क्वायर है तो 2/10 इंटू 2/10 इंटू क्या हो जाएगा एल, इंटू बेटा क्या हो जाएगा एल बराबर कितना 11, 1, 2, 3, 4 × 0 और 84। इसके नीचे एक रख के तिरछी क्या करनी है हमें, मल्टीप्लाई, क्या करनी है बेटा मल्टीप्लाई। चल रहा है बेटा आगे, ऊपर का करते हैं रफ, फिर ऊपर करते हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है बड़े आगे। चलिए यहाँ से बेटा आपको क्या करना है, एल आप बाहर निकाल लीजिए, एल आप बाहर निकाल लीजिए, देखिए एल के साथ में ये संख्या है, अब जो एल के साथ में है वो कहाँ चला जाएगा बेटा, नीचे, तो देखिए आपका 22 × 2 × 2 और × 84 ये बेटा नीचे, ऊपर कितना चला गया आपका 7 × 10 × 10 × 11 × 4 0। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, अब आपको करनी है सिर्फ काटा पीटी। देखिए 2 × 5 कितना हुआ बेटा 10 और 2 × 5 बेटा कितना हुआ 10। अब ये कट तो जाएगा 11 × 11 = 22 लेकिन आपको देखिए मैं डायरेक्टली इसका बता दे रहा हूँ आगे सलूशन, आप इसका करके देख लीजिएगा, ठीक है एल बराबर वो कितना आ जाएगा आपका 31 250/3 आएगा, 3 सेंटीमीटर ये आएगा। आगे आप काटापिटी कर लेना आराम से, आपका क्वेश्चन बन जाएगा 31 250/3 सेंटीमीटर। अब मैं कहूँ कि इस चीज़ को आप मीटर में बदलिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए एल बराबर कितना हो जाएगा, अगर आप 100 से क्या दोगे
भाग तो कहाँ चला जाएगा, 31 अभी चेक कर ले रहा हूँ, 31 250 बटे 3 बिल्कुल सही है। तो L बराबर अभी तो आएगा आपका 104 17 सेंटीमीटर। जब आप इस चीज को 31 250 को 3 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 104 17 ठीक है, 10 4 और 17 सेंटीमीटर। तो L बराबर मीटर में चेंज करने के लिए कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। तो ये बेटा कायम बन जाएगा मीटर में, कितना हो जाएगा 104.17 मीटर। चलिए आगे समझिए, थोड़ी सी मेरी बात को सुनिए। देखिए बेटा ये दो हमारी एक्सरसाइज जो थी वो 17.2 थी, तो इसी क्वेश्चन के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 17.2 आज कंप्लीट हुई। ठीक है, आपको देखिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगली वीडियो में नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज होगी वो बेटा 17.3 स्टार्ट होगी, क्या 17.3 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।